नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे YouTube चैनल M12 GK देख रहे हैं। BPSC शिक्षक बहाली 2023 जो आई थी उसमें कितने फॉर्म गिरे और क्या कट ऑफ जाएगा, पहले हम बात करेंगे 1 से 5 के लेकर। उसके बाद किसी और वीडियो में हम जो है सो 9th, 10th, 11th, 12th के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 22 तक जो है सो लास्ट डेट था, 22 बीत गया। तो 1 से 5 में टोटल 7,48,000 करीब करीब फॉर्म गिरा है 1 से 5 क्लास वाले में। 9th, 10th में 65,000 करीब करीब फॉर्म गिरा है और 11th, 12th में मात्र 39,000 ही फॉर्म गिरा है। हम बात कर लेते हैं कि 1 से 5 वाला जो कंपटीशन है बहुत हार्ड हो गया है। 1 से 5 में टोटल बात कर ले, टोटल विद्यार्थी कितने फॉर्म को फिल किए हैं, तो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था 8,63,000 के करीब करीब में और फॉर्म गिरा था 8,10,000, यानी 50,000 फर्जी रजिस्ट्रेशन था, या उन्होंने फॉर्म नहीं फिल कर सके हैं, या पैसा नहीं कटवा सके हैं, या किसी तरह का था, 50,000 फॉल्स था रजिस्ट्रेशन। फॉर्म 8,10,000 फॉर्म गिरा है, जिसमें से 1 से 5 क्लास का जो फॉर्म है वह 7,48,000 समथिंग, यानी 7.5 लाख उसको मान लीजिए। सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसी शिक्षक को है तो 1 से 5 क्लास का शिक्षक को सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। अब बात कर लेते हैं कि 1 से 5 क्लास के कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा और इसमें दूसरे राज्य के कितने विद्यार्थी फॉर्म फिल किए हैं और विकलांग लोगों की क्या कट ऑफ जाएगी, विकलांग लोगों की क्या जो है सो इसमें बनती है बात है। देखिए, 1 से 5 में 7.5 लाख फॉर्म गिरा है, जिसमें से मेरे अंदाज से, मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 5 लाख करीब करीब पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे। 2.5 लाख ऐसे विद्यार्थी फॉर्म को फिल किए हैं जो जो है सो पढ़ाई बहुत कम कर रहे होंगे, या वो बीएड और सीटेट निकाल कर चुपचाप बैठे होंगे 7वां चरण की तरफ कि मेरा मेगा अंक बनेगा और मेरा जॉब हो जाएगा, वो पढ़ाई से अपना रिश्ता तोड़ चुके हुए होंगे। वह लोग 2.5 लाख से होंगे, 5 लाख रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसे विद्यार्थी 5 लाख होंगे। अब इसी 5 लाख में हम लोग का कट ऑफ निर्धारित होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो इस 5 लाख में मैं आपको बता दूँ कि 3 लाख प्रॉपर बिहार के विद्यार्थी हैं और 5,2 लाख अदर जो है सो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं। तो प्रॉपर 3 लाख विद्यार्थी हैं बिहार के जो कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं और वो सीरियस है इस पोस्ट के लिए। तो इन 7 लाख का जो है सो मैं कट ऑफ निकाला हूँ। कट ऑफ मैं आपको बता दूँ कि जनरल लोगों का कम से कम 80% मार्क्स आना चाहिए, यानी उनका कट ऑफ जाने का उम्मीद है 80 से 82, 83 या 85 जा सकता है। EWS वालों को 5 नंबर कम रहेगा, यानी 75+ होगा, 75 से 80 के बीच में कट ऑफ जाने का उम्मीद है। OBC और EBC लोगों का 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगा। SC ST लोगों का 60 से 65 में कट ऑफ रहेगा और PWD 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगा और वुमेन लोगों का 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा। या 1 से 5 क्लास वालों के लिए बताया हूँ, किसी और वीडियो में 9th से 10th वाले के लिए भी कट ऑफ मैं बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 1 से 5 क्लास में बहुत ज़्यादा जो है सो आपको कंपटीशन है, आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करना होगा तभी जाकर आप क्वालिफाई कीजिएगा, आपका जॉब होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होगा, कोई कमेंट हो, कोई बात पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही रहेगा।